दुनिया भर में व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का सर्वर रहा डाउन। सोमवार रात 9 बजे से मंगलवार सुबह 4 बजे तक बाधित रही सेवा। करोड़ यूजर्स हुए परेशान। ड्रग्स मामले में एनसीबी की पड़ताल जारी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का बयान, अभी तफ्तीश जारी। और भी लोग पकड़े जा सकते हैं शिकंजे में, अभी कुछ भी कहना होगा जल्दबाजी। वहीं ड्रग्स मामले में आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की रिमांड पर भेजा गया। एनसीबी ने 10 दिन की मांगी थी रिमांड। पीएम मोदी का लखनऊ दौरा आज। अर्बन इंडिया कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। लखनऊ को आज मिलेंगी करोड़ों की सौगात। कई प्रोजेक्ट्स का करेंगे शुभारंभ। अयोध्या के मास्टर प्लान पर भी करेंगे समीक्षा। लखीमपुर मामले में किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद सुलह। मृत किसानों के परिजनों को दिया जाएगा 45 लाख का मुआवजा। योगी आदित्यनाथ ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन होने से फेसबुक के शेयरों में 5% की गिरावट। मार्क जकरबर्ग को भी हुआ 52,000 करोड़ का नुकसान। अमीरों की लिस्ट में अब 5वें पायदान पर पहुंचे जकरबर्ग। चीन द्वारा ताइवान की बॉर्डर पर किए जा रहे अभ्यास को अमेरिका ने बताया भड़काऊ। कहा, बाज आ जाए अपनी हरकतों से चीन। तूफान शाहीन से ओमान ने मची तबाही, सैकड़ों घर ध्वस्त, अब तक 12 लोगों की हुई मौत। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से हराया। पॉइंट्स टेबल पर पहले पायदान पर पहुंची दिल्ली की टीम। और वहीं आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना, जावेद अख्तर को पड़ा भारी। महाराष्ट्र में जावेद अख्तर के खिलाफ फिर हुई एफआईआर दर्ज। जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू में आरएसएस की तुलना तालिबान से की थी।